मेरे साथ आमिर शमसी भी हैं. आमिर शमसी, देयर इज अ ग्रेट न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान के पाकिस्तान में क्रिकेट. हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट ने बहुत सफ़र किया है. पाकिस्तान की को इंटरनेशनली कुछ ममालिक उसके साथ खेल भी नहीं रहे. हमारी मुल्क में आने वाली टीमें जो हैं उनकी तादाद जो है वो महदूद होकर रह गई है. तो यू कैन इमेजिन पाकिस्तान की क्रिकेट हैज़ पेड हैवी प्राइस यानी वो एक्सपोजर नहीं हमारी टीम को मिल सका. जाहिर है एक जमाने में था एक्सपोजर, एक जमाने में कोई बात है कि इट ऑल कम्स डाउन टू योर प्लेयर्स एंड योर परफॉर्मेंस. नो, एक जमाने में बहुत एक्सपोजर था. ये मैं इस बात से, आप यू आर राइट ऑन योर साइड, बट मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है एंड आई फील दिस इज लॉबिंग बड़ा काउंट करती है. देखिए साहब, पाकिस्तान की मैचेस जो थे, पाकिस्तान में चंद मुल्कों ने जाके खेलना था, उन्होंने पाकिस्तान में जाके खेला नहीं अभी. बल्कि आईसीसी ने इंडिया में जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, आईसीसी ने बाकायदा उसके बारे में यकीन दहानी चाहिए है कि इंडिया पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को वीज़ा देगा. ये ना हो कि एट द 11th आवर आप हमारे चंद प्लेयर्स को वीज़ा ना दें, तो फिर तो उसका मतलब पूरी की पूरी टीम जा ही नहीं सकेगी. तो आईसीसी ने इसके बारे में मुकम्मल तौर पर वजाहत चाहिए है कि इंडिया यकीनी बनाए कि तमाम प्लेयर्स को जो उनकी रिक्वायरमेंट हैं उसके मुताबिक उनको वीजा दिए जाएंगे. मगर इट्स अ गुड न्यूज, जो कहते हैं ना कि सिल्वर लाइनिंग, यू कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो इट्स अ बिग डील के क्रिकेट के हवाले से कि ग्वादर का ये बना. फाखर मेरे साथ शामिल हो गए हैं. फाखर, अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद. वेरी गुड टू टॉक टू यू फाखर. इट्स वेरी गुड टू टॉक टू यू एंड यू आर आर आईज एंड ईयर्स एट द मोमेंट. यू हैड बीन टू गवादर और गवादर के जो ये जो क्रिकेट फील्ड है इसके बारे में कुछ शेयर कीजिएगा. आपने जो वीडियोज बनाई वहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू शेयर दोज वीडियोज एज वेल. तो जी प्लीज डू. आरिफा बाजी, इट्स ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल. एक तो ये है कि वहाँ का जो नेचुरल टेरेन है गवादर का, उसमें पूरे रास्ते में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं एल्बकर्की, न्यू मेक्सिको, ह्यूस्टन के कुछ इलाके और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों के ऊपर मैं फेर रहा हूँ. एवरीथिंग वॉज देयर. और आगे अंदर आया तो मैंने थाईलैंड और मलेशिया में इतना खूबसूरत और इस किस्म के रंगों. माय गॉड. और ये वीडियो हमें फाखर ने भिजवाई है. आमिर आप भी अब मेरे साथ हो. अस्सलाम वालेकुम फाखर. वालेकुम आमिर, हाउ आर यू, क्या हाल चाल? आई एम डूइंग गुड माशाल्लाह. भाजी कल ही मेरी बात हो रही थी फाखर से इस हवाले से कि ही इज माशाल्लाह गवादर और ही वाज सो इंप्रेस्ड एंड टू प्रमोट पाकिस्तानी किस कदर खूबसूरत बनी है. पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल. पाकिस्तान इज, मैंने आपसे कहा ना अभी जैसे आप आमिर बात कर, ऑफर्स एवरीथिंग. पाकिस्तान ऑफर्स एवरीथिंग. एक साइड के ऊपर आपको दुनिया की दूसरी बड़ी पीक एंड दुनिया के 10 बड़े पहाड़ी सिलसिलों में से 4 या 5 आपको बड़ी बड़ी पीक मिलती हैं. और दूसरी तरफ इधर आप नीचे आ जाए तो गवादर के साहिल और ये 750-800 किलोमीटर का तो सिर्फ ईरान के साथ हमारा कोस्टल बॉर्डर चल रहा है. इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ और इतना खूबसूरत स्काई और यहाँ के मैंने इतना प्यारा और साफ पानी, मैंने दुनिया घूमी है बहुत कम जगहों पे इतना साफ और खूबसूरत नीला और सब रंग का पानी मैंने नहीं देखा. फाखिर आपके कैमरे की आंख से हम इस वक्त देख रहे हैं. हम इस वक्त आपके कैमरे की कुछ तस्वीरें भी हैं फाखिर. मैं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप हमारे फेसबुक पे, हमारी टेलीविजन पे, जो लोग ई आवाज पे हैं, अनबिलीवेबल गवादर, अनबिलीवेबल गवादर. जी आमिर, तो अनबिलीवेबल. और इसकी क्या रोड है, क्या रोड है और क्या रास्ते में रुक के हमने कहीं चाय, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ. और क्योंकि थोड़ी सी वहां पे जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे तो अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने उसके ऊपर काबू पाया और चेक पोस्ट वगैरह है, इट्स कम्प्लीटली सिक्योर. और आरिफा बाजी, मैं बुरी बात है इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए, 180 और 190 की स्पीड भी हमने कुछ जगहों के ऊपर की है. क्या प्यारी रोड बनाई है. और अभी ये सिंगल रोड है जो कि कई कई मील तक खाली पड़ी होती है क्योंकि आबादी बहुत ही कम है, 70-100 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर एक एक घर नहीं है तो खाली वो पड़ा हुआ है. और आगे इतना खूबसूरती, इतना प्यारा पानी. और आगे फिर एक होटल हमने पूरा बुक कराया था, 40-50 फैमिली हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे विराट जी की, तो बहुत ही मजा आया. क्या खूबसूरत इंतजाम थे.
Look at the roads, yeah, Majid bhai. Yeah, yeah. Look at the road. The view. Look at the sky. What a beautiful. Yani, ek hoti hai na, aapko smog nazar aati hai. No smog. Ekdam se clear blue sky. Ja, bhaji, yahan par na, because when we were talking yesterday, to is, you know, the Fakhar was telling me about the hotels and PC and all that. So, because people think, you know, wahan jayenge to aapko sahi rehaish nahi milegi, residence nahi milegi. Fakhar, if you don't mind, share the experience with the PC. आमिर, वो पीसी भी जबरदस्त है और वो अमेजिंग रेट्स देते हैं और क्या सर्विस दे रहे हैं वो. उसके अलावा मेरे एक और दोस्त, आई विश कि वो होटल्स भी दिखा सके हम. सही, गवादर क्लब खोला है इन्होंने वहाँ पे. गवादर क्लब फखर बाय एनी चांस यू पिक्चर्स ऑफ द होटल्स? यार वो नेट के ऊपर से मिल जाएंगी आपको. नहीं नहीं, जो तुमने किया नहीं है वो तो मिल जाएगी, लेकिन योर एक्सपीरियंस. अच्छा, गवादर के पानियों में भी आपने फिर सैर की और जिसमें आप. मेरे बच्चे जो हैं वो पानी के, वो पागल हैं पानी के पीछे. जहाँ पे वो देखते हैं कि बार बार गाड़ी रोको, हमने पानी में जाना है. वो दे लव ये वाटर रिजॉर्ट्स एंड पानी. तो समंदर में वो तो कराची का भी हॉक्स बे और फ्रेंच बीच वगैरह नहीं छोड़े. यहाँ पे भी वो जाहिर है, वो अपनी पूरी तैयारी से गए हुए थे अपने गॉगल्स चीजें लेके. वो पानी नस्बतन ठंडा था आज के इन दिनों में, लेकिन वो पानी में दो दो घंटे वो खेले हैं अंदर जाके. ब्यूटिफुल प्राइवेट बीचेस इतने सारे हैं और वर्जन है, और पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पे पूरा वो सपोर्ट करती है आर्मी. उन लोगों ने बड़ी फैसिलिटेशन की हुई है. एंड पाकिस्तान अब चूंकि पूरी दुनिया बंद हुई है, तो हम बच्चों को पाकिस्तान घुमा रहे हैं एंड बच्चे हमारे अमेज होते जा रहे हैं. आई स्वेयर टू गॉड, फखर आपकी ये वीडियो देखने के बाद मेरा तो दिल चाहे चाहे कि मैं अब पाकिस्तान जाऊं. तो आई स्पेशली गो टू ग्वादर वेरी सून भाजी. ब्यूटीफुल प्लेस. आप मेरे साथ जाएंगे. बहुत फखर आपको हम मिस कर रहे हैं. कोविड ने जिंदगी को बदल करके रख दिया. मैं टोरंटो के बारे में आपसे बाद में पूछती हूँ. यू हैड बीन टू दिस जो हमारा जो क्रिकेट का ग्राउंड बना है, एंड इट्स an opportunity for the people living in Gwadar, job opportunities, Zahra and lawns ko maintain karne ke liye. Wow, look at this. Peeche dekh chitan. I'm telling you, it's a beautiful view. Amazing. Pahadi hai aur ye Sri Lanka mein ek stadium hai Gal ka, jahan test matches wagera bhi hote hain. मगर फाखिर कल जब ये न्यूज निकली बाहर कि भाई इतना ब्यूटीफुल, आईसीसी ने जब कहा तो इंडिया ने फौरन रिस्पांस किया कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो इससे खूबसूरत है, दिस इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल. उन्होंने तो कहना ही कहना, दैट्स ओके. फिर हमने अपना मुजफ्फराबाद का निकाल के भी दिखा दिया. फाखिर हम एबटाबाद का भी निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बल्कि फाखिर मैं एक अब आपसे ऑन एयर रिक्वेस्ट करने के लिए जा रही हूँ. आई एम ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद गिल, हमारा गिलगित बल्तिस्तान से मेरे अपने नेफ्यूज़ वहाँ डॉक्टर्स हैं. वहाँ पे एक डैम बन रहा है. पाकिस्तान की आर्मी के बारे में लोग एकदम से नेगेटिव बोल देते हैं. आमिर, ये डैम बहुत ऊँचाई पर बन रहा है और कहते हैं कि इतनी कैजुअलिटीज़ भी होती हैं. कमाल का डैम बन रहा है और आई विश कि मैं फाखिर की आंखों से हम वो जगह भी देख सकें. पाकिस्तान आर्मी किस तरह रोल प्ले कर रही है और पाकिस्तान कितना खूबसूरत है. आपकी आंखों से हम गिलगित को भी देखेंगे. तो क्या महसूस करते हैं जो गवादर के रहने वाले लोग जब इस क्रिकेट का ये स्टेडियम बना है, तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर फॉर द पीपल? ओके, अब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि बलूचिस्तान में काफी अच्छे से बलोच एरिया में कुछ इंसर्जेंसी वगैरह का तो माहौल है. अब उसके लिए पाकिस्तान की स्टेट रियासत, पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री, वो तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज जो है उनको कंसिडर करती है कि वहाँ पे कफील बना दिए जाए कि वहाँ के जो बलोच लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देने के लिए कि वो कफील हों, वो लोगों को जो बिजनेसेस हैं उनके कामें वगैरह उनके पैसे उनको जाएं. तो बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे वो इस वक्त वो कंसिडर कर रहे हैं. मेन चीज, पाकिस्तान की फौज के लोग गालियां तो देते हैं, लेकिन मसला ये है कि इंडिया में तो हमसे भी कहीं ज्यादा इंसर्जेंसीज और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है. एग्जैक्टली, सेशनिस्ट मूवमेंट्स बहुत है वहाँ पे. हमारे मुल्क में भी थोड़ी बहुत है क्योंकि खत्ता पूरा जो है थोड़ा ट्रबल तो है साउथ एशिया का. श्रीलंका में कहीं अभी जाके खत्म हुआ था तमिल और सिन्हालीज का जो चक्कर था. तो पूरे इस रीजन में ये मसले हैं. पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री की कदर हमें आती है,
چونکہ اس نے پاکستان کی جغرافیے کو ایک رکھا ہوا ہے اور وہ بچارے بچے پوری کوشش کر رہے ہیں میجر کرنل سارے کہ وہ کسی طریقے سے اور وہ سامنے بھی نہیں آتے بچارے یار وہ جانے بھی دے دیتے ہیں لیکن دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو کیپ دی کنٹری یونائیٹڈ اینڈ جیوگرافیکلی سروائیو کر لے ہماری اور کر جائے گی کیونکہ یہ کنٹیگوس ہے وہ بنگلہ دیش کا وہ گیا جب وہ چار گھنٹے کی فلائٹ کی دوری دیکھ رہا تھا یہ کنٹیگوس ہے میں ابھی آپ اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیڈیم کے بیچ میں تقریباً 2500 کے قریب لوگ بیٹھ سکیں گے. فاخر میں دیکھ رہی تھی کہ سمندر بالکل ساتھ میں ہے مگر جو پہاڑ ہیں ایک دم سے بیرن ہیں ایک دم سے بنجر ان کی اس کی بیوٹی اپنی ہے تو واٹ از دا ویدر آؤٹ دیئر؟ ویدر از بیوٹیفل رائٹ ناؤ سیلسیس میں آپ لوگ کیونکہ امریکہ کینیڈا والے فارن ہائٹس میں دیکھتے ہیں ابھی 16-15 سیلسیس تھا اور اوپر کا 22 تیز تھا خنکی تھی لیکن اسکارچنگ دھوپ ہے اور پانی کا ٹھنڈا اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے گرمیوں میں بہت گرم ہو جاتا ہے لیکن یہ جو اس کی جو ٹرین ہے وہ کچھ ایسی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ کئی 100 کلومیٹر اور بہت اوپر کوئی 200-400 میٹر اوپر تک یہ پانی تھا کیونکہ یہ جو جتنی پہاڑیاں ہیں یہ ان کی بھربری سی ریت ہے. ایون پی سی بھی جس 17 کلومیٹر کی پہاڑی ہے جس کے اوپر بنا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ بھربری سی ریت ہے وہ لینڈ سلائڈنگ اگر بارش وارش زیادہ ہو تو ہو بھی سکتی ہے. تو یہ جتنی بھی آپ کو خوبصورت پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ اتنی تکڑی نہیں ہیں یہ تکڑی نہیں ہے لگتا ہے ایسے جیسے کاروینگ ہوئی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کوئی نئی کاروینگ نکل آتی ہے. جب 2004-05 میں اینجلینا جولی یہاں پہ آئی تھی کسی اس کے یونائٹیڈ نیشنز کے کسی مشن پہ جب فلڈ وغیرہ آیا تھا تو اس نے یہاں پہ کسی جگہ کو ایک پرنسس آف ہوپ بھی کہا تھا. وہ ہم دیکھتے ہوئے راستے میں آئے ہیں کل کیا خوبصورت پہاڑی ہیں آپ البکرکی نیو میکسیکو وغیرہ ساری راکی ماؤنٹین تو بھول جائیں گے اتنا پولوشن فری نیلا آسمان اور گوادر کے لوگ پیارے لوگ خوبصورت لوگ باہر تھوڑا سا ان کے اندر ہیں وہ کچھ مسائل تو ہیں لیکن بہرحال سیکورٹی وغیرہ جب پوری وہاں پہ مہیا کی گئی ہے سب کچھ کیا گیا پیپل آر سویٹ نائس اور مزے کی بات ہم کچھ 25-30 لوگ گئے تھے چائے پینے کے لیے اور جو چائے کی دکان تھی دے ریکگنائز می اینڈ اس نے کچھ 25-30 لوگوں کی ہماری چائے کے پیسے نہیں لیے. بڑے دل والے لوگ ہیں. ویری سون فاخر ان شاء اللہ پروگرام بنائیں گے وہاں پر انشاءاللہ گوادر کے اندر بھی. عامر میں شیئر کرنا چاہتی ہوں بلکہ فاخر کے پاس بھی تھوڑی سی اگر ڈیٹیل ہوگی تو فاخر بھی تیر کرے. کوہ باطیل میں یہ اسٹیڈیم بنایا گیا ہے بلوچستان گوادر کے علاقے میں اور تقریباً اس اسٹیڈیم کے بننے میں 1.5 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. 2015 میں اس پہ کام شروع ہوا تھا. اگر ہم وہاں کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور آرمی مل کے اس کو چلائیں گے. مجھے خود ذاتی طور پہ لاسٹ ایئر آئی ایس پی آر پہ جانے کا موقع ملا تھا. پاکستان کی آرمی نے بہت رول پلے کیا ہے. ظاہر ہے پاکستان میں ڈسٹربنس کے لیے باہر سے بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہ اچھے بھلے لوگ, یعنی ایک تو وہ ہمیں مارتے ہیں اور ایک کہتے ہیں رو بھی نہ. تو یقیناً پاکستان کی آرمی از دا موسٹ آرگنائز انسٹیٹیوشن آف پاکستان جنہوں نے اس کو چلایا. فوجی حکام مل کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو کر رہے ہیں. فاخر یہاں پر کوئی ایک انہوں نے گولف کورس وغیرہ بنوایا؟ یار گولف کورس میں نے نہیں دیکھا لیکن آئی ایم شیور وہ کچھ نہ کچھ گوادر کلب میں شاید بن رہا ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. مجھے وہاں پہ جو میرے فوجی دوست تھے انہوں نے میرے لیے گولڈن سینڈ بیچ ہے وہاں پہ انہوں نے میرے لیے رات کو کھانا کیا. اس کے اندر کچھ بلوچ سردار بھی تھے. اچھا جو یہ علاقہ تھا گوادر کا یہ گچکی لوگوں کے رول میں تھا اور ہوا یہ تھا کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے $3 million کا یہ واپس عمان سے خریدا تھا 1958 میں. ہوا یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے کرتے کرتے عمان کا ایک پرنس جو تھا وہ اس علاقے میں آیا اور یہاں پہ اس کو پناہ دی گئی. جب پناہ دی گئی تو 17-18 سال کے بعد جب وہ واپس گیا تو واپس جاتے جاتے وہ اپنی اس کے اوپر کلیم جتا کے چلا گیا کہ یہ تو میرا ہے. پھر عمان کا اور وہ ہوا اور اس کے بعد پھر اس زمانے کے 1 کروڑ روپے دے کے ہم لوگوں نے واپس لیا تھا یہ علاقہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ جتنے بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی ان کے پاس
अक्सर लोग हैं जो कि ओमान और पाकिस्तान की नेशनलिटी है और अक्सर लोग जो है उनकी ईरान और पाकिस्तान की नेशनलिटी है, एंड उसके अंदर वो अगर सेनेट वेनेट में चले भी जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होगी दूसरे पासपोर्ट की। वो जब ओमान में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास वो ओमानी हो जाता है, दे डोंट कैरी अ पासपोर्ट। मजे की बात के गवादर का बलोच जो है वो ओमान का आर्मी चीफ है, पता है आपको इस बात का? गवादर का बलोच ओमान का आर्मी चीफ है जी। वाह, तो इस तरह ये जो है, यानी ओमान की जो आर्मी है उसका जो चीफ है ओमान की आर्मी का जो चीफ है उसकी ड्यूअल नेशनलिटी होगी ना, ही इज गवादर नेशनल एंड ओमान नेशनल। नहीं नहीं होगा, गवादर का बलोच है, गवादर का बलोच है, तो गवादरी है एंड देन ही इज ओमान्स चीफ ऑफ आर्मी, दैट्स प्रीटी। क्योंकि उनके उनके जहाज यहाँ पे आते हैं और यहाँ से रिक्रूट करके लेके जाते हैं उनको। इसी तरह अरब लोग यहाँ पे आते हैं और तलोर का शिकार और बाज का शिकार यहाँ पे करते हैं, इलाके में इनको परमिशन दी जाती है और उनके पैलेसेस वगैरह भी हैं गवादर में। अच्छा, जो यहाँ से गया था, जो यहाँ पे आके 17-18 साल रह के वापस गया था गवादर, जो वहाँ का एक प्रिंस जो लड़ झगड़ के आ गया था, उसका पनाह भी गवादर के लोगों ने, उसके भी बाकियात यहाँ पे उसके किले विले वगैरह यहाँ पे मौजूद है गवादर। फाखिर ने बताया, मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको 1.5 करोड़ लागत से तामीर किया गया था और दहाइयों से यहाँ पे क्रिकेट, ये नहीं कि इसके बाद क्रिकेट शुरू होगी, इससे पहले भी क्रिकेट तकरीबन 20 साल से यहाँ क्रिकेट खेली जा रही है। इस स्टेडियम को बनाने का काम 2015 में शुरू हुआ था, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके चार्जेस दिए तकमील के, पाकिस्तान आर्मी जो है मिल के इस स्टेडियम को के और यहाँ के इंतज़ाम को चला रही है। 2017 में जो मैं आप जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं वो देख भी सकते हैं, 2017 में यहाँ के लिए जो पिचेस तैयार करने के लिए और इसको तैयार करने के लिए जो मट्टी थी वो गुजरांवाला से मंगवाई गई थी। अगेन आप 90 टन मट्टी मंगवाई गई थी जो कि गुजरांवाला से मंगवाई गई थी। इस स्टेडियम में तकरीबन 3 पिचेस ऑल टुगेदर तैयार की गई हैं और फाखर मेरे साथ है, फाखर ने इसको विजिट किया। फाखर, कितने आवर्स की ट्रैवलिंग थी आपकी टू रीच दिस प्लेस? इफ यू डोंट स्टॉप इट्स 6.5 from, but people do stop from Karachi. Okay, from Karachi to Gwadar agar 6.5 ghante ki traveling hai, road is sabhi 1.5 ghante to Karachi aur hub ki jo traffic hai ha wo khair hai na lag jata hai, hub se aage jaake to it's a beautiful beautiful road inside Balochistan, and लेकिन आप जब जाते हैं पहली बार, आते हुए तो चलो आप आ जाते हैं, जाते हुए आप रुकते हुए जाते हैं बिकॉज बड़ा इंट्रीग होते हैं आप, कोई मलीर में आप रुकते हैं, खूबसूरत समुद्र शुरू हो जाता है वहां से, फिर आगे आप रुकते रुकते जाते हैं। और एक मैंने आपको तस्वीर और भेजी है, छोटी सी वीडियो जो कि हैमर हेड है, ये उसी 17 किलोमीटर की पहाड़ी के ऊपर है। हाँ, वही दिखा रहे हैं इस वक्त हम लोग, हैमर हेड ही इस वक्त हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पे। हम भी आपकी गाड़ी में आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं फाखिर, बिल्कुल। We are in your car. What a romantic place. What a sunset. जाना बनता है भाजी वहाँ तो फिर। फाखिर भाई बहुत शुक्रिया sharing. I understand. Let me tell you, Pakistan के लोग they are great. फाखिर is not an ordinary man. A man working on the front line for Pakistan. एक बात याद रखिएगा, फाखिर को अगर जो बहुत से लोगों ने अपना नाम पाकिस्तान से बाहर जाके कमाया, इस शख्स ने पाकिस्तान का नाम बनाया, ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। मैं इसमें क्रेडिट देना चाहती हूँ फाखिर को भी, मैं अबरारुल हक को भी इसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीना मरना पाकिस्तान के नाम के लिए रखा। और आपकी बात काटूंगा आरिफ अबाजी, मैं क्रेडिट आपको भी दूंगा, माजिद भाई को भी दूंगा और आपसे ज़्यादा बढ़ के आमिर शमसी को भी दूंगा, जिसने हलाल फेस्टिवल स्टार्ट किया और इतने ज़बरदस्त चीज़ें, अपना नाम भी बनाया और मेरे मुल्क का नाम भी चादर से जोड़ा हलाल फेस्टिवल, और इन सब चीजों के अंदर इस्लामिक मुल्कों की लीडरशिप हमारे पास है, और आमिर शमसी जैसे जो हमारे चीते हैं वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं,
कैनेडियन अंटेरियो में और ये टोरंटो के एरिया में आमिर शमसी जो है वो हमारा एक चीता है माशाल्लाह, कोई शक इसमें कतन कोई शक नहीं। मगर फाखिर वी मिस यू हियर, हलाल फेस्टिवल में आपकी प्रेजेंस ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। सो क्या प्रोग्राम है, कब बुला रहे हो फाखिर को? मेरा बस चले फाखिर को मैं कल बुला लूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है फाखिर, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आज ही सुबह बात। आपने बड़ी मुश्किल कर दी है, ट्रूडो ने बहुत मुश्किल कर दी है। या दैट्स ट्रू, या ट्रूडो मेरिट बामन, ही इज टेकिंग गुड प्रिकॉशन, इट्स अ गुड प्रिकॉशन। आई अंडरस्टैंड फाखिर, मगर मैं अभी आपके फौरन बाद मेरा इंटरव्यू जो है वो हमारी गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल सलमा जाहिद साहिबा से है। फाखिर मिला बन सब, ऑफ कोर्स पीपल हैव देयर कंसर्न्स कि देयर इज एक्स्ट्रा फी फॉर $2,000 एनीबॉडी हु कम्स बैक टू कनाडा बाय 30th of April तक, जो भी आएगा उसको 2000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, जिसमें 3 दिन होटल्स में है। बिकॉज ये वेरिएंट देखिए फाखिर, आज ही मैं देख रही थी, अगर इसको स्पाइक को देखा जाए तो इंग्लैंड में जब कंट्रोल नहीं किया ना तो ये एकदम से 90 डिग्रीज पे स्पाइक गई है, और जब फिर उन्होंने कंट्रोल किया तो उसी हिसाब से ये नीचे गिरी भी है। तो आज ये जो मिसिसागा का एक केस है, दैट इज अ थ्रेटनिंग एंड अलार्मिंग सिचुएशन, कि दिस इज अफ्रीकन वेरिएंट एंड द मैन नेवर ट्रेवल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड क्या वजह है, क्या ये इजी टू ट्रांसफर है या व्हाट इट इज। तो ये गवर्नमेंट होता फाखिर ये है कि पाकिस्तान में भी ना जब कानून का इतलाक होने के बाद लोग उसकी पैरवी नहीं करते या कानून की पासदारी नहीं करते, देन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स, इज दैट राइट और नॉट? और फिर जब गवर्नमेंट्स एक्सट्रीम मेजर्स, एग्जैक्टली, और जब गवर्नमेंट एक्सट्रीम मेजर्स देती है तो फिर हम चीखना शुरू कर देते हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है। कनाडा की गवर्नमेंट बड़ी लीनियंट रही, उन्होंने ये भी कहा कि अपने बबल्स में रहें, नहीं लोग रहे, तो फिर आज हमें वो कहते हैं ना कि अगर हम खुद ही ड्राइव प्रॉपर करेंगे तो फिर मुझे टिकट क्यों मिलेगी, ठीक है, अगर मैं खुद ही कानून की पा। और दुनिया का सबसे बड़ा गदर ये है कि आप कानून की पासदारी ना करें और कानून से लाइल्मी हो। फाखिर, आई थैंक यू वेरी मच, आई लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन एंड अगेन अबाउट द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ पाकिस्तान में। बहुत बेहतर है माशाल्लाह, यहाँ पे अल्लाह की खास बरकत है, यहाँ पे कोई खास वेरिएंट वगैरह कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ बिजनेस एज यूजुअल है। आप लोग अपनी अपनी मिट्टी है जो ओरिजिनल मिट्टी है, आप वहाँ का चक्कर लगाएं, लेकिन वापस जाएंगे तो $2,000 भी देंगे। फाखिर, आई मस्ट थैंक यू वेरी मच कि यू टुक द टाइम टुडे स्पेशली इन द, आज ही आपको बताया, एंड ही टुक द टाइम फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल, इट्स वेरी लेट, और जब मैंने इसको बोला ना कि इस तरह है तो ही वाज लाइक, आई एम नो problem, I will be up, especially Fakir, thank you so much from the whole team. Fakir, we are definitely proud of you. Thank you, bicha. Thank you. I love you, Pakistan. Zindabad. Fakir, Zindabad. Thank you, brother. Those jo Pakistan se mohabbat karte hain, wo tamam Zindabad. Allah Hafiz, Fakir. Thank you so much, brother. Thank you so much. Allah Hafiz. आमिर, जब हम ये बात कर रहे हैं ना तो आपको पता है कल की एक न्यूज़ थी, यानी जिन ममालिक में चीज़ों को करवाया जा सकता है, एंड ये इंटरनेशनल बीबीसी के ऊपर ये न्यूज़ पड़ी हुई है कि लोग क्या करते हैं कि टू ट्रैवल ऑन एनी एयरलाइन आपको अपना एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है कोविड नेगेटिव का। अफगानिस्तान का ख़ास तौर पे कल तस्करा आया, जैसे माजी जमाल साहब ने कल भी कहा था कि और ममालिक भी इसमें शामिल हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिकॉज उनकी बिजनेस मीटिंग्स हैं, जस्ट टू ट्रैवल वो पैसे दे के कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट ले। कैन यू बिलीव इट? और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने कनाडा से पहले ये इंतजाम शुरू किया था कि एयरपोर्ट पे जो लोग आते थे, आने वालों का कोविड टेस्ट होता था। हाँ। वो जो नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं वहां के पॉजिटिव, तो आपने किसकी इंसल्ट की, अपनी कंट्री की। विल टेक सम कमर्शियल्स एंड आई विल टेक यू टू मोहतरमा सलमा जाहिद, मेंबर पार्लियामेंट, एंड ऑफ कोर्स शी इज वेरी कमिटेड, वेरी बिजी। आप ही लोगों का कंसर्न है और आपका कंसर्न है कि 30 अप्रैल तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जनाब जस्टिन ट्रूडो और उसके बाद हमारे जो प्रीमियर ऑफ ऑनटेरियो हैं जनाब डग फोर्ड साहब, वो और भी सख्त हुए हैं कि एनीबॉडी हू ट्रैवल्स बैक टू कनाडा उनका जो टेस्ट होगा दैट अ फी इज 2000। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। तो अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो 750 जुर्माना होगा। अब इसके ऊपर चिल्लाने की बजाय, ऑफ कोर्स इट्स ये आपकी सेफ्टी है, ये मेरी सेफ्टी है, ये हमारी फैमिलीज की सेफ्टी है। जन स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक स्टूडियो का नंबर 416-620-1778।